Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 4. So kids, last time हमने हिंदी में revision अभी चल रहा है हमारा, तो उसमें हमने पेज नंबर 17 तक कर लिया था. ओके, तो आज हम पेज नंबर 18 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो है वो अभ्यास से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलो देख लेते हैं अभ्यास में क्या दिया है. तो सुनिए और बोलिए. तो आपको यहाँ पे सिर्फ बोलना है. ओके, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ, तो आप सुन लेना और अच्छे से बोलते जाना. तो अ में शब्द दिए हैं हमें, तो कौन से शब्द है? गाँव, गाँव. कक्षा, कक्षा. अध्यापक, अध्यापक. बुआ, बुआ. मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ. मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ. मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ. हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है. हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो आपका नाम क्या है? तो आपका नाम जो भी है यहाँ पे लिखना है कि मेरा नाम खाली जगह है. आपके पिताजी का नाम क्या है? तो मेरे पिताजी का नाम जो भी है वो आपको लिखना है. आपकी माताजी का नाम क्या है? तो लिखना है मेरी माताजी का नाम जो भी है वो आपको लिखना है. उसके बाद है पढ़िए और लिखिए. तो ये तो वर्ड जो है वो एक बार मैं आपको पढ़ देती हूँ, तो आपको सिर्फ बोलना है वीडियो देख देख के क्या लिखा है. परिवार, परिवार. सहेली, सहेली. दोस्त, दोस्त. अध्यापक, अध्यापक. गाँव, गाँव. कक्षा, कक्षा. अच्छा, अच्छा. खिलाड़ी, खिलाड़ी. उसके बाद है पेज नंबर 19 पे. तो वो देख लेते हैं स्वाध्याय में क्या दिया है. सही जोड़े बनाइए. तो जोड़े बनाना है. पिता तो होगा माता, भाई तो भाभी, चाचा तो चाची, मामा तो मामी, दादा तो दादी. तो ये हमने जोड़े बना दी है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. अरुणा चौथी कक्षा में ब्लैंक है. तो अरुणा जो है वो लड़की है, तो उसके लिए पढ़ता है या पढ़ती है? तो गर्ल है इसलिए आएगा पढ़ती है. लड़का खेल ब्लैंक. तो लड़का एक ही है, तो रहे है या रहा है? तो रहा है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति या फिर एक चीज़ के लिए बात हो रही है तो रहा है. अगर बहुवचन है, एक से ज़्यादा लड़के होते तो आएंगे रहे है. ओके, तो यहाँ पे लड़का एक ही है, तो लड़का खेल रहा है. मैं माता पिता का आदर करता हूँ या करते हैं? तो मैं मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही, खुद की बात कर रहा है इसलिए करता हूँ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं. मैं, मुझे, मेरी और मैं, मेरे. तो ब्लैंक लड़की हूँ, तो खुद के बारे में बात करी इसलिए मैं लड़की हूँ. खाली जगह पिता किसान है, तो क्या आएगा? मेरे पिता किसान हैं. ब्लैंक माता घर काम करती है. माता जो है वो लड़की है, इसलिए यहाँ पे आएगा मेरी माता घर काम करती है. खाली जगह खेलना अच्छा लगता है, तो मुझे खेलना अच्छा लगता है. ओके, तो यहाँ पे हमने जो पेज नंबर 18 और 19 में जो अभ्यास और स्वाध्याय था, मैंने उसका रिवीजन आपको करवा दिया है. सो आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि ये जो पेज नंबर 19 पे ये स्वाध्याय है, उसका क्वेश्चन 1, 2 और 3 एक वन टाइम लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.